हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड डिजीज़। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस टॉपिक का मीनिंग का पता हो कि भाई हेल्थ का मतलब होता है सेहत और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। हमारी सेहत और हमारी बीमारियाँ, क्योंकि हमने चैप्टर का नेम पढ़ा था मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसका माहौल, और उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंसान की सेहत और उसकी बीमारियां, चंद कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो हैं जो हम इन्वायरमेंट के अंदर डिटीरियोरेशन से, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से हमें होती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, नॉर्मल हेल्थ। हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल हेल्थ है हमारी, लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है, तो ये मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कंडीशन है, वाटर है, उसके अलावा सॉल्यूट है, अमोनिया है, यूरिया है, टेम्परेचर है, केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ भी है, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हमारी एक नॉर्मल रेंज में होंगी तो ये नॉर्मल हेल्थ होगी। लेकिन अगर ये डिपार्चर हो जाती हैं, अगर इसमें कोई एबनॉर्मैलिटीज आ जाती है, अगर इसमें यहाँ पे कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाए, उस एबनॉर्मैलिटी से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी के फंक्शन जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, जब बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डिजीज़। क्या बोलते हैं? डिजीज़। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चंद डिजीज़ हैं और उनकी मैं आपको काजेज के बारे में बताऊँगा कि उनके क्या काज हैं। 8 जो है मैंने इनको पॉइंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले ये है कि कुछ बीमारियाँ हमें जेनेटिकली, हमारे जीन में चेंज, हेरिटेबल, वरासत में, कंजेनिटल, ये कुछ मतलब कंजेनिटल को हम स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनाइज प्रॉपर काम ना करें, या बॉडी के अंदर जो है हमारे मॉलिक्यूल्स प्रॉपर काम ना करें, तो ये कुछ बीमारियां हैं, जिस तरह के हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बेशुमार 1000 की तादाद में बीमारियां हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पे हैं कि भाई ये जेनेटिकली या हेरिटेबल या कंजेनिटल, ये चंद डिजीज़ हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। हीमोफीलिया, आपको पता है कि ब्लड की बीमारी है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। ऐसे ही उसके पास है इन्फेक्शंस, पैथोजन एंड पैरासिटिक, ये मोस्टली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। डिप्थेरिया, खनाक इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है, गुनेरा है, कॉलरा है, और यहाँ पे ये मैंने ये भी किसी का लिखा हुआ है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, गुनेरा, कॉलरा और मम्स एंड मीजल्स, इसी तरह की ये बीमारी है। तो ये जो हमारे पास बीमारियाँ हैं ये होती हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। स्टूडेंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी, आपकी स्किन की बीमारी है, बेरी बेरी जिसको हम फुल बेरी कहते हैं, एनीमिया, उसके बाद आपके पास क्वाशिकोर, एनीमिया ब्लड की कमी की वजह से होती है। क्वाशिकोर ये होता है कि पेट का साइज बढ़ जाता है, अक्सर अफ्रीकन लोगों को ये बीमारी होती है। उसके बाद जो है मलेरिया, ये जो है मलेरिया इसको हम कहते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से जो होती हैं, शुगर, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, शुगर आपको पता है जो है आपकी शुगर जो डिजीज़ है इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, आपकी जो हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम इसकी टाइप को जो है डिस्कस करते हैं। क्रिटिनिज्म आपको पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती है, ग्वाइटर जो है आपके यहाँ पे जो है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। उसके बाद फिजिकल डिसऑर्डर, एक्सीडेंट, आप गिर जाते हैं, ट्रॉमा कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम, एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है आपका स्केलेटन, केमिकल कॉजेज़ की वजह से, ड्रग्स एंड अब्यूज़, इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह आप बता दें कि भाई जो केमिकल जो ड्रग्स हैं उनके यूज़ करने से आपकी बॉडी में क्या क्या बीमारी आ सकती है। आपको पता है ड्रग्स से आपका कैंसर हो सकता है, इसके अलावा आपके लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके डिजेस्टिव सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एजिंग एंड डीजनरेटिव,
आपका बढ़ापापन जो होता है उसकी वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो है, मैंने स्केलेटन के अंदर दोनों को बताया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमेल्सिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये तमाम के बारे में मैंने आपको बताया था। मेंटल इलनेस, आपको पता है एक बीमारी है अल्जिमर, अल्जमीर भी कहते हैं, एलुमिनियम आयन की वजह से होती है, और ये आपको मेंटल इलनेस जो है आपको बोलने की बीमारी होती है, फॉरगेटफुलनेस। इसमें क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आपको याददाश्त चली जाती है। ये तमाम जो चंद बीमारियाँ थी, कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, बिल्कुल आसान सिंपल सी बीमारियाँ जिनके बारे में स्टूडेंट मैंने आपको देखा। आपका जो चैप्टर है 27, ये कंप्लीट हो गया, आपकी बुक का सबसे लास्ट वाला टॉपिक था, हमने इसको कंप्लीट किया, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।